सबसे पहले बताइए, इंस्टाग्राम पे तो कहीं ना कहीं आप ऑडियंस से कनेक्ट रहती है जी, थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज? जी हाँ, थ्रू इंस्टाग्राम ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपने फैन से और यू नो सबसे कनेक्टेड होते हो, सो समहाउ उनको पता है कि यू नो क्या चल रहा है और क्या हो रहा है. सो यस, दैट्स अ गुड प्लेटफॉर्म एक्चुअली. और अभी फिलहाल तो प्रोजेक्ट वाइज दैट यू आर आस्किंग मी, बातें चल रही है यू नो बिकॉज अभी आप सब जानते हो क्वाइट अ फ्यू मर्जर्स वर हैपनिंग, अभी सब हो रहा था तो चीज़ें डिले हो गई है. बट यस, लॉट ऑफ टॉक्स, लॉट ऑफ मीटिंग्स आर ऑन, एंड इंशाल्लाह जब कुछ होगा सो आपको पता चल जाएगा. अगर जब आपने अपने करियर की शुरुआत की थी, काफ़ी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, मतलब टीवी से शुरुआत हुई है और बहन का रोल और बहुत सारे डिफरेंट रोल, वो सब एक्सपीरियंस करते हुए नागिन सबसे इम्पॉर्टेंट, जो आपका लाइफ का ब्रेक थ्रू ऐसा मैं कह सकती हूँ, कैसा लगता है अभी शुरू से अब तक वो जर्नी, अगर आप दोबारा अगर अपने दिमाग में विजुअल्स करें तो? वेल, इंशाल्लाह इन अप्रैल आई विल बी फिनिशिंग कंप्लीटिंग एक्चुअली 15 इयर्स इन द इंडस्ट्री. और शुरुआत हुई थी कमर्शियल एड से, मॉडलिंग से, एंड देन मुझे नहीं पता था दैट यू नो कि मुझे मैं एक्टिंग भी करूँगी, बिकॉज आई नेवर हैड एनी बैकग्राउंड ऑफ एक्टिंग या कुछ. इट्स जस्ट दैट आई वाज स्पॉटेड इन अ रेस्टोरेंट और मुझे अपना पहला एड प्रोजेक्ट मिला था, और उसके बाद से काम मिलता गया. एंड बहने इंस्टा प्लस मेरा पहला शो था एज अ लीड, देन अमृत मंथन, देन पिया बसंती रे, एंड देन नागिन एंड सितारा, एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी. इट इज़ एक्चुअली विद खतरों के खिलाड़ी ऑल्सो दैट आई डिड, आई मीन, एंड ऑफकोर्स कॉमेडी नाइट्स बचाओ माई मोस्ट, मेरा ऐसा शो जो मेरे दिल के बहुत करीब है. सो आई थिंक हर शो अलग था, हर शो में मैंने एक अलग किरदार पोर्ट्रे किया, पॉजिटिव, नेगेटिव, कॉमेडी, एंड तो ऑफकोर्स आई एम हैप्पी, बट इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड के और इससे ज़्यादा अच्छे रोल्स मैं करूँ और ऑडियंस को एंटरटेन करूँ, एंड जिस तरह से वो मुझे हर किरदार के लिए प्यार दिए हैं, आई होप आगे जाके भी उतना ही प्यार करें. जी बिल्कुल, पॉजिटिव और नेगेटिव किरदार की आपने बात की है, तो पॉजिटिव किरदार तो निभाना काफ़ी इजी हो जाता है, नेगेटिव किरदार जो आपने निभाया है, और सबसे ज़्यादा अगर बात करूँ जो शुरुआत नागिन जो कलर्स का टॉप शो रहा है आपके और मोनी रॉय से हुई है, तो वो जर्नी आप बताइए, क्योंकि उसमें जो आपके किरदार है, आप मोनी रॉय का नाम आता है तो आपका नाम आता है, आपका नाम आता है तो उनका नाम आता है, तो कैसे वो चीज़ को आपने किया, क्योंकि नेगेटिव किरदार निभाना इतना स्ट्रॉन्ग और सेंसिटिव चीज़ है, उसमें क्या आपने एक्सपीरियंस किया? एक्चुअली नागिन सीजन वन में ऐसे कुछ नहीं था कि मैं नेगेटिव टर्न होंगी, मेरा किरदार पॉजिटिव था नागिन वन में, बट इट हैड दैट थिंग कि ये थोड़ी सी संकी है, मैं अच्छा भी करती थी लेकिन मैं गलत तरीके से करती थी, लेकिन आई वाज अ क्रेजी पर्सन, एंड वो किरदार लोगों को बहुत अच्छा लगा. बट देयर वाज दिस टाइम जब मैंने आई थिंक ऋतिक के आई थिंक खीर में या किसी में जहर मिलाया था, एंड पीपल वेंट क्रेजी, द टीआरपी वाज रियली हाई ऑफ दैट एपिसोड, एंड आई थिंक उसके बाद से यू नो दे डिसाइडेड कि इस ट्रैक से खेल सकते हैं, एंड आई थिंक बाय द एंड ऑफ सीजन वन मेरा कैरेक्टर नेगेटिव दिखाया कि मैं हो जाऊंगी, एंड या आई थिंक यू नो नेगेटिव करना इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आप यू नो यू वांट पीपल टू बी स्केयर ऑफ यू, एंड आल्सो बहुत ज़रूरी होता है कि आप नेगेटिव कर रहे हो तब भी लोगों का प्यार आपको मिलना चाहिए, वरना यू विल जस्ट बी हेटेड. तो मैंने ये कोशिश की कि यू नो मैं किरदार निभाऊं शेषा का, लेकिन ऑफ कोर्स पीपल ने उसकी जर्नी सीजन वन में देखी है, सो कहीं ना कहीं दे नो कि वो जो कर रही है शी इज़ राइट ऑल्सो, एंड इवन मोनी इज़ राइट. सो यू नो टच फॉर आई एम रियली थैंकफुल टू एवरी वन दैट इन स्पाइट ऑफ बीइंग नेगेटिव आज तक मुझे लोग प्यार कर रहे हैं उस रोल के लिए, सो थैंक यू वेरी मच. बहुत डिफिकल्ट होता है कि यू नो गलत करने के बावजूद भी लोगों से प्यार मिलना, इट इज़, एंड आई थिंक आई एम रियली हैप्पी एंड वेरी वेरी थैंकफुल. थैंक यू वेरी मच.
अदा जब नागिन की कास्टिंग होती है एकता मैम, वो क्या ऐसी चीजें देखती है जब उनसे आपकी बातचीत हुई, या कुछ इस रोल के बारे में कभी कुछ डिस्कशन हुआ, या क्या ऐसी बातचीत होती है? क्योंकि वो कास्टिंग करती है बहुत सोच समझ के करती है और एक झटके में करती है। जैसे मोनी के कास्टिंग हुई वो भी अलग तरीके से, आपकी जैसी हुई, उस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? वेल, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो बस एक झटके में करती है, तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ था। देयर वाज नो ऑडिशन, देयर वाज नो लुक टेस्ट, ऐसे कुछ नहीं था। आई वाज होम और मुझे कॉल आया दैट एकता मैम वांट्स यू टू प्ले दिस कैरेक्टर, एंड आई वाज लाइक ऑफ कोर्स ओके यस, यू नो, बहुत अच्छा लगा था वो कैरेक्टर। एंड डायरेक्टली इन बीकानेर शूट थी, लाइक फर्स्ट ऑफ कोर्स हमारा नरेशन हुआ है यहाँ पर, ब्यूटिफुल नरेशन बाय एकता मैम, एंड उसके बाद हम बीकानेर में थे और वहाँ जाके मेरा लुक टेस्ट हुआ। सो एकता मैम की खासियत यह है कि जो किरदार वो लिखती है उनके दिमाग में होता है कि वो किसे लेना चाहती है, किसे कास्ट करना चाहती है, एंड शी नोज इट। और जैसे बात करें, बीच में लॉकडाउन भी आ गया, काफ़ी चीज़ें चेंज होगी, तो उस दौरान आपने क्या किया, किस तरीके से, ऑब्वियसली हार्ड फेस लो फेस मतलब अच्छी चीज़ें पूरी चीज़ें साथ में, कैसे वो सब दिन निकाले, क्या किया उस टाइम आपने? वेल आई थिंक दुनिया ही नोबडी हैज़ यू नो अभी तक वो बाहर आए उस चीज़ से जो वो दो साल हमारे कठिन तरह से गए हैं, यू नो 2020 या 2021, पीपल आर स्टिल रिकवरिंग, अभी तक दे हैव स्टिल नॉट रिकवर्ड फ्रॉम दैट फैक्ट। तो अभी भी ऐसे लग रहा है कि बस थिंग्स आर जस्ट गोइंग एंड थिंग्स आर जस्ट मूविंग, और क्या हो रहा है, यू नो दैट टू इयर्स वाज वेरी क्रूशियल फॉर एवरीवन, यू नो। और मेरे लिए तो खैर ऑफकोर्स हमने बहुत कुछ सीखा उन दो सालों में। एज एन इंडिविजुअल आई हैव चेंज्ड अ लॉट, बहुत कुछ चीज़ें यू नो यू जस्ट लर्न अ लॉट, यू इवॉल्व अ लॉट, और फ्रेंड सर्कल्स कम होते जाते हैं एंड चीज़ें समझ में आने लगती है। सो यस, मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। देन आई वॉज यू नो आई हैड गॉन वन मंथ टू हिमाचल, तो मैंने काफ़ी ट्रैकिंग की वहाँ पर, एंड it was again as I said an experience to remember, you know, kafi cheeze seekhi maine. That's it yaar, I think that lockdown phase was sad also because I lost someone who was very very close to me, my family member, but bahut kuch seekhne mila as I said. काफ़ी चीज़ें इंडस्ट्री में भी चेंज हुई है, जैसे सोशल मीडिया के वजह से सब चीज़ डिजिटल हो गया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए, उस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि बोलते टीवी एक्टर्स को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में अप्रोच नहीं करते, उन्हें काफ़ी गैप मिल जाता है, फिर उन्हें कहते हैं कि आप ये रोल के लिए सूटेबल है, तो क्या आप कहना चाहेंगे उसमें? कहीं ना कहीं ये बात सही है, बट यस the thing is that yes, OTT. Did you try in OTT platforms? Well, I did for Hangama Play though, OTT, but otherwise you know aise hota hai, but abhi kafi sare TV faces you can see they are doing OTT, and social media ki taraf se you know wajah se kafi sari cheeze bhi change hui hai, lockdown ki wajah se kafi sari cheeze bhi change hui hai. Things are getting digital, lot of things actually, you know, the budgets have crashed and काफ़ी सारी चीज़ें अभी चेंज हो रही है, the industry is changing a lot, और I think हमें you know we have to go with the flow, जो चल रहा है उस फेज के हिसाब से हमें अपने आप को बदलना होगा. So yes, I am following the trend, seeing क्या हो रहा है industry में. And be it OTT, be it TV, I think all the industries have seen that massive change after lockdown. Okay, जब बात होती है अलग projects करने की, आपने इतने सारे different shades TV में किए हैं, हर दिन सबके घर में गई है, नजर आई है, तो अभी अगर OTT platforms की बात करूँ या कोई movie की बात करूँ, तो आप किस तरीके का अपना कैरेक्टर अभी चाहती है कि इस जॉनर में मुझे करना है, या एक होता है सब एक्टर्स के अंदर कि इसमें ट्राई कर सकते हैं, इस चीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं? आई हैव नॉट डन अ पीरियोडिक ड्रामा कभी, और बहुत मन है मुझे पीरियोडिक ड्रामा करने का,
लाइक यू नो हिस्टोरिकल शो लाइक द फाइट्स द हॉर्स राइडिंग एंड दैट द काइंड ऑफ आउटफिट्स यू वेयर आई रियली वांट टू डू समथिंग लाइक दैट लाइक रियली पावरफुल कैरेक्टर. बात करूँ टीवी की वापस क्योंकि रियलिटी शोज भी काफी होते हैं और बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी तो आपने किया है, बिग बॉस का भी सोचा है करने के लिए? सबने मुझसे ये सवाल पूछा, मैंने हमेशा यही कहा है कि बिग बॉस इज नॉट माय कप ऑफ टी. इट इज नॉट, आई डोंट थिंक आई कैन बी देयर एंड डू. अच्छा, व्हाट इज दैट वन थिंग कि आप उसे नहीं बर्दाश्त कर सकते या बिग बॉस में आप नहीं जा सकते, कि क्या ऐसी एक चीज है जो आई थिंक इतनी जो यू नो देयर आर सो मेनी फाइट्स दैट हैपन यू नो सो आई डोंट थिंक आई कैन हैंडल दैट. ओके, तो यू आर मोर इनटू फिटनेस, कुछ फिटनेस टिप्स देना चाहेंगे अपने फैंस ऑडियंस को? वेल, ऑडियंस को मैं फिटनेस टिप तो यही कह सकती हूँ कि गाइस अपने लिए वक्त निकालो, चाहे वो हाफ एन आवर हो, 40 मिनट्स हो, 1 आवर हो, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. चाहे आप उस पर जिस तरह का भी एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो, योगा करते हो, या एनी थिंग दैट यू थिंक इज योर वे ऑफ फिटनेस, मे बी वॉकिंग जॉगिंग, बट आई थिंक वो बहुत बहुत क्रूशल होता है फॉर अ हेल्दी लाइफ. एंड ऑफकोर्स वॉट यू ईट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैं ये मानती हूँ कि चाहे कितने भी बिजी रहो लेकिन अपने लिए वक्त निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर फिटनेस. Definitely yes. अदा, जब आपसे बातचीत होती है, काफी इंटरव्यूज मैंने देखी है, लव के बारे में आपकी जो थिंकिंग है काफी थोड़ी अलग है, तो क्या कहना चाहेंगी लव के डेफिनेशन के, क्योंकि आप अनलकी रही है एक टाइम पे, अभी क्या है स्टेटस, क्या चल रहा है? वेल, फर्स्टली मेरे लिए यू नो लव इज मेरा पहला प्यार इज ऑलवेज टुवर्ड्स माय फैमिली, बिकॉज जो फैमिली का प्यार होता है ना, दैट लव इज अनकंडीशनल. You know, वो कभी कुछ डिमांड नहीं करते, वो बस आपको प्यार करते हैं, चाहे वो आपकी मॉम हो, आपके डैड हो, यू नो, सो दे लव यू अनकंडीशनली. आई थिंक वो एक प्योर फॉर्म ऑफ लव होता है. एंड अदरवाइज यू नो आई नेवर से नो फॉर एनीथिंग. जिंदगी है, कभी भी आपके साथ यू नो सरप्राइजेज आते हैं, यू नो, सो आई एम ओपन टू लव. एंड I think life is beautiful and it can get you any kind of beautiful surprise in your journey. So hopeful about it. Okay, Women's Day आ रहा है, तो what is definition of woman empowerment according to you? Well, मेरे लिए woman empowerment ये है कि आपकी individuality को समझो, आप क्या हो वो समझो, rather than just you know going out there and just wanting to be like someone else ya kisi aur ko follow karne ki jagah sabse pehle apne aap ko pehchano, who are you, that is very important. Uske baad come out there and speak who you are, because jab aap khud jante ho, apne aap ko samajhte ho, only then when you can do what you want to do. So aajkal I see you know in every field women are excelling and they are doing really well. And I'm really, really proud of every woman out there excelling in all the fields. But to all the youngsters, just social media, they feel that this is the reality. I would just like to tell them that don't believe everything you see on social media, all these young girls, and just be very content with yourself. When you see yourself in the mirror, be very content. Don't try to look like someone else. This is something that I really want to tell everyone. So, Ramzan आ रहा है, कुछ plans है, क्या करने वाली है? जी हाँ, आपके fans कुछ good news सुनेंगे. Festivals आते हैं तो blessings भी आती है, तो कुछ ऐसे good news उन्हें सुनने मिलेगा कि आप कुछ ऐसे projects करने वाली हैं? जी, जरूरी नहीं है कि festivals के साथ blessings आए. I think I believe every day, you know, there is some blessing coming your way. तो आई थिंक जो फेस्टिवल्स होते हैं तो एक एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट होती है, और रमज़ान है, विल बी फास्टिंग फॉर 30 डेज, और फिर ईद, सो एक अलग तरह का बॉन्डिंग होती है विद योर फैमिली. और बचपन से ये यू नो वी आर फॉलोइंग अ ट्रेडिशन एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, और लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आज इफ्तार में क्या बना है, यू नो, सो इट्स ऑलवेज वेरी, इट्स अ वेरी हैप्पी फीलिंग चाहे कोई भी फेस्टिवल हो. आई थिंक हर घर में एक अलग माहौल होता है. शिवरात्रि भी आ रही है. यस, महाशिवरात्रि भी आ रही है, तो एक फेस्टिवल जब आता है, आई थिंक होली भी आ रही है, राइट?
सो हर फेस्टिवल जब आते हैं सो देर इज ऑलवेज वन लाइक हैप्पीनेस, चाहे वो हमारा फेस्टिवल हो या हमारे नेबर का फेस्टिवल हो, यू नो व्हेन देर इज दिवाली और होली, सो यू नो दे सेंड मिठाई टू अस एंड यू नो वी सेंड इफ्तार टू देम, सो इट्स ऑलवेज अ वेरी unity wali feeling, ek happiness, you know. So I really look forward to all festivals because it really makes me happy and it's always a reason to dress up also. Okay, last message to fans and audience, what you want to deliver? I think to all my fans, firstly to main sabko bahut bahut thank you kahungi for always loving me and supporting me and believing in me, and thank you so much. आप बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजते हो मुझे, बहुत अच्छे एडिट्स भी बनाते हो, सो थैंक यू सो मच. एंड आई वुड जस्ट लाइक टू टेल ईच वन ऑफ देम दैट यू नो जो आप सब है, प्लीज लव योर सेल्फ फर्स्ट, कीप दैट योर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड योर फैमिली टू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.